हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो ध्यान दीजिएगा, आज के अखबार में उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर ये कुछ रिक्तियों की संख्या दे रखी है। इससे एक अंदाजा लगता है कि रिक्तियों की संख्या से दो तीन बातों का पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि जो आने वाली भर्ती है उनमें पदों की संख्या क्या हो सकती है, और दूसरा ये अंदाजा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर इतने पद खाली है तो सरकार उसको कितनी जल्दी भरने के चक्कर में, अगर कम पद खाली होते तो लेट भरती है। तो आप सभी देखिएगा, आज के अखबार के अनुसार उत्तर प्रदेश के डीजीपी कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी गई, जिसके आंकड़े लिखे हुए हैं। यूपी में पुलिस कर्मियों के 59,856 पद रिक्त हैं, मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं 60,000 के करीब, लगभग 59,586, जिसमें 26,000 के करीब ये जो पद हैं ये आरक्षी के हैं, 13,656 हेड कांस्टेबल के। इसमें उसके बाद में कुछ पद साथी एसआई के, जिसमें अगर आप एसआई के देखोगे तो लगभग 18,342 एसआई के 18,342 पद यहां पे दिख रहा है, इंस्पेक्टर के 1,144 ये जानकारी है। इसमें आरक्षी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा अधियाचन यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जा चुका है, जो 26,000 के करीब जो भर्ती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पुलिस में कुल ही पद 26,714 आरक्षी के लेवल पर खाली है, इसका अधियाचन भेजा जा चुका है। कुछ साल पहले कानून व्यवस्था बड़ी समस्या थी, उसमें इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी यही जानकारी दी गई थी कि 26,714 पद ये यूपी कांस्टेबल के और 8,714 पद ये साथी पीएसी, इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो लगभग ये 36,000 के करीब बैठते हैं। 36,000, तो उम्मीद है कि इस बार जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी उसमें 26,000 से 36,000 तक पदों की कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद में आ जाता है साथी, इसमें फिर जो पुलिसिंग व्यवस्था 8 जोन है, आगरा, बरेली, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, उसमें भी सबसे ज्यादा फोर्स गोरखपुर जोन में तैनात है, और कहां पर कितने पद मतलब भरे हुए उसकी जानकारी भी आपको दे रखी है। सबसे ज्यादा गोरखपुर जोन में पुलिस फोर्स तैनात है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद केवल अपनी वैकेंसियों के बारे में सूचना लेना है कि अगर हम टोटल एसआई के पद खाली देखें तो यहां पर आप देखोगे 18,342, 9,000 के करीब जो भर्ती, 9,534 ये हो भी जाती है पूरी, तो साथी इसको भरने के बाद भी लगभग 9,000 के करीब और पद खाली रहेंगे। इंस्पेक्टर तो फिर प्रोन्नत होके या अलग से बनते। यहां पर 26,714 आरक्षी और 7,000 जो सदन में जानकारी दी है इसमें लगभग 8,714 पीएसी, तो कुल मिला के 36,000 से ज्यादा ये कांस्टेबल के लेवल पर, और 18,000 के करीब ऐसा ही 9,000 मान लो भर भी गई, 9,000-10,000 तब भी साथी 8,000 के करीब ये एसआई के लेवल पर खाली है। तो भर्ती की जो प्रक्रिया कांस्टेबल की वो अधियाचन मंजूर है, टेंडर मंजूर है, किसी भी समय नोटिस आ सकता है कि 7 दिन बाद से आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, किसी भी समय, समझे। इसमें अब ये नहीं है कि काफी समय लगेगा या कि भाई टेंडर निकलेगा ये कुछ, जबकि जो नई एसआई की प्रक्रिया है उसको होने में, उसका टेंडर इत्यादि में समय लगेगा, तो जितना वो होगा उतना समय बाकी है। कांस्टेबल तो किसी भी समय ये नोटिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आ सकता है कि भाई इस तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू है, 7 दिन का समय आपको दिया जाता है, 7 दिन पहले आ जाता है उसके बाद फॉर्म शुरू होते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, तैयारी एग्जाम पर चल रही है, 6 से 8 करंट अफेयर स्टैटिक जी के, 8 से 9 रीजनिंग, 9 से 10 जी के, 10 से 11 गणित और 11 से 12 हिंदी,